नमस्कार, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आइए आज हम एलादी वटी के बारे में जानेंगे, जो खांसी, जुकाम, बुखार और उल्टी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली आयुर्वेदिक गोली है। इसका उपयोग मुख्य रूप से श्वासन और जठर के व्याधियों में किया जाता है। इसे एलादी बटी और एलादी गुटिका भी कहते हैं। एलादी बटी के लाभ है, यह खांसी, सर्दी, बुखार, हिचकी, उल्टी, चक्कर आना, खून की उल्टी और पेट दर्द को दूर करने में मदद करती है। यह अत्यधिक प्यास, तिल्ली के रोग और गठिया से छुटकारा दिलाता है। यह एक प्राकृतिक कामोद्दीपक है और सभी रक्तस्राव स्थितियों में उपयोगी है। पारंपरिक रूप से एलादी गुटिका का उल्लेख आयुर्वेद ग्रंथों में इस प्रकार किया गया है। कासम श्वासम ज्वरम हिक्काम सर्दिम मूचम मदम ब्रमम रक्त निष्टीवनम तृष्णाम पार्श्वशूल मरोचकम शोष प्लीहाद्य वातांश्च स्वरभेदम क्षतम क्षयम गुटिका तर्पणे वृष्या रक्त पित्तम च नाशयेत। इसका मतलब है कि एलादी वटी कासा यानी सर्दी और खांसी, श्वास यानी दमा, श्वासन संबंधी विकार जिसमें सांस लेने में कठिनाई शामिल है, ज्वर यानी बुखार, हिक्का यानी हिचकी, चर्दी यानी उल्टी, मूर्छा यानी बेहोशी या मूर्छित होना, मद यानी नशा, भ्रम, चक्कर आना मनोविकृत स्थिति, रक्त निष्ठवान हीमोप्टाइसिस यानी मुंह से खून थूकना, तृष्णा यानी अत्यधिक प्यास, पार्श्वशूल यानी छाती के बाजू में दर्द, अरोचक यानी भोजन में रुचि की कमी, शोष यानी क्षीणता, प्लीह यानी प्लीह संबंधी विकार, स्प्लीनोमेगाली, आड़ेवाता यानी गाउट, स्वरभेद यानी कर्कश आवाज, क्षतक्षय यानी बाहरी चोट के कारण क्षीणता, रक्तपित्त यानी नाक से खून बहना, अल्सरेटिव कोलाइटिस और अधिक मासिक रक्तस्राव। इन व्याधियों में एलादी वटी बहुत उपयोगी है और यह तर्पण यानी पौष्टिक और शांत करने वाला, वृष्य यानी कामोत्तेजक और पित्त शामक रूप में भी काम करता है। एलादी गुलिका की खुराक की बात करें तो इसके पारंपरिक खुराक प्रतिदिन 12 ग्राम है। आमतौर पर यह 1 से 2 गोलियों की खुराक में दिन में 2 से 3 बार भोजन के बाद या किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के निर्देशानुसार दी जाती है। एलादी वटी के साइड इफेक्ट की बात करें तो इस दवा के कोई ज्ञात दुष्प्रभाव नहीं है। अधिक मात्रा में लेने से पेट में हल्की जलन हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान इस टैबलेट से बचना बेहतर है या कम से कम इसे चिकित्सीय देखरेख में लेनी चाहिए। एलादी वटी की सामग्री की बात करें तो इसमें है इलायची, दालचीनी, पिपली, नद्यपान, खजूर, किशमिश और शहद। इस औषधि का संदर्भ ग्रंथ चरक संहिता चिकित्सा स्थान 11वें अध्याय और वैशिष्य रत्नावली रक्तपित्त रोगाधिकार 32 से 35 में मिलता है। यह टैबलेट बैद्यनाथ, शर्मायो, श्री दूत पापेश्वर लिमिटेड आदि आयुर्वेदिक फार्मा कंपनियों द्वारा निर्मित है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया easyayurveda.com पर भेंट करें।